हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आप लोगों को, जो लोग भी नए हो वो पहली बार चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत से लोग अनअवेयर हैं कि ये क्या है। एक्चुअल में ये डेली क्रिप्टो हिंदी न्यूज़ है और इसके हर एपिसोड्स मैं डेली आप लोगों के लिए लाता हूँ। सिर्फ एक एपिसोड के अलावा मैंने आप लोगों को 93 एपिसोड्स डिलीवर किए हैं और मैं रोज़ आप लोगों को क्रिप्टो इंडस्ट्री की न्यूज़ ला के देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो जो लोग भी कमेंट करते हैं कि ये बकवास मत कर या फिर इसको पीछे छोड़ मकाम की बात बता, तो भाई आप ये मत देखो, ठीक है। ये नॉलेज के लिए है, ये किसी कॉल वॉल के लिए नहीं, सिग्नल के लिए, ठीक। सबसे पहले अब चलते हैं आज की डायरेक्टली हम न्यूज़ के ऊपर। तो आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम हैं यहाँ पर, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, आपको नॉलेजेबल जो है कंटेंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको फंडामेंटल ऐसे कॉइन्स मिलेंगे जो आपको जो है फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ला के देंगे। दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के चेक जरूर करना, ठीक। जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे उस पर क्लिक करके आप जाना, विजिट करना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ है डिस्क्रिप्शन में। पहली न्यूज को लेकर बात करें तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $50,000 जो है टच कर गई है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मई। तो ये तो आप सभी को मालूम होगा, बिटकॉइन रिकवरी कर चुका है 72% की, और तब से कब से, मई से, मई में जो मैसिव आया था क्रैश उसके बाद से बिटकॉइन ने काफी अच्छी रिकवरी की है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, फ्री एंड ग्रीड इंडेक्स, जो आज से कुछ दिन पहले जब मैं आप लोगों को समझा रहा था बिटकॉइन की अपडेट्स, तो आपको याद होगा 22 चल रहा था लास्ट मंथ, और इस मंथ कितना हो गया, 79 ग्रीड हो गया है। ग्रीड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, मतलब लोग फोमो में, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी लोग नहीं चाहते कि उनको वो बिटकॉइन में किसी भी तरह से पीछे रह जाएं, तो अपना पैसा जल्द से जल्द डालने की कोशिश करें और बिटकॉइन को खरीद कर उसकी प्राइस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको एक ऑन चेन डेटा बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्टिल लो डिस्पाइट प्राइस रैली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बिटकॉइन में हो रहे ट्रांजैक्शन, इधर उधर बिटकॉइन भेजे जाने की प्रक्रिया, वो बहुत कम है, लो पे है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन का प्राइस। ये पिछले वालों बुल मार्केट से काफ़ी अलग है। आप देखो कि यहाँ पर बिटकॉइन की जो है प्राइस तो काफ़ी ऊपर जा रही है, पर बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन बहुत कम हो रहे हैं। ये मैंने आपको बिटकॉइन के अपडेट में समझाया था, और आने वाली जो बिटकॉइन की अपडेट है वो कुछ ही देर में आने वाली है, कुछ टाइम में आएगी, आपको कल या परसों मिल जाएगी। उसमें आपको ब्रीफली समझाऊंगा ये चीज़ आखिर क्यों हो रही है और इसका मतलब क्या हो सकता है। तो बिटकॉइन 50 के अराउंड चल रहा है अभी, और मेरा ये एक शक है कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन एक ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। Xiaomi वेटिंग फॉर रेगुलेटरी क्लैरिटी टू डेल्व इनटू क्रिप्टो, ये आप लोगों को मैंने बताया था। Xiaomi के एक किसी शहर ने स्टार्ट कर दिया था क्रिप्टो करेंसी पेमेंट, लेकिन अभी जो Xiaomi का ओवरऑल ब्रांड है वो अप्रोच कर रहा है क्रिप्टो को, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी जायंट Xiaomi इज़ नॉट रेडी टू मेक क्रिप्टो करेंसी पार्ट ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल बिजनेस जस्ट येट। मतलब अभी जस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ टाइम में करेगा, क्योंकि मनु कुमार जैन जो कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि मोर रेगुलेटरी क्लैरिटी इज नीडेड एज फार एज क्रिप्टो इज कंसर्न। तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन Xiaomi जो है ये ब्रांड ऐसा है जिसने खुल के आके बात की है क्रिप्टो को लेके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम मोबाइल की दुनिया की बात करें तो 37% ऑफ अमेरिकन इन्वेस्टर्स वुड नॉट कैश आउट देयर क्रिप्टो इवन इन क्रिटिकल मोमेंट्स। तो एक सर्वे हुआ है जिसमें सबसे पूछा गया, तो यहाँ पर बोला गया है कि वाइल मोस्ट US क्रिप्टो इन्वेस्टर बिलीव इन द वर्चुअल एसेट्स मेरिट, प्रोमिनेंट पीपल लाइक एलन मस्क सीम टू अफेक्ट देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे जो सर्वे है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात आई कि इलॉन मस्क का सुन के बहुत से लोगों ने अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 37% लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना क्रिप्टो को नहीं कर छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इलॉन मस्क डिक्टेट्स द एक्शंस ऑफ 35%। तो 35% लोग जो है अमेरिकन्स में वो निकले ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क के ट्वीट पे ट्रेड करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को क्या ही बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा दूसरों को देने आते हैं, हम जैसे लोगों को देने आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जब फियर एंड पैनिक में एलॉन मस्क के सेल या बाय करते हैं कुछ, तो वो हमसे सेल और हमसे ख़रीदते हैं और हमसे ही बेचते हैं। तो यही चीज़ है कि जो होल्डर्स होते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं, और जो लोग ट्रेड करते हैं किसी के ट्वीट वीट को सुनकर, तो बहुत गलत बात है, उनको दिक्कत होती है।
चाइना के डिजिटल युआन को जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है शांजी एक्सप्रेसवे में टोल के लिए। आप लोगों को पता होगा टोल नाके पे जो हम लोग हमारे वहाँ फास्टैग से कट जाता है वहाँ पे टोल कटने लगा है डिजिटल युआन से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी चाइना के डिजिटल युआन को लेकर। 86% ऑफ ऑल बिटकॉइन होल्डर्स आर नाउ इन प्रॉफिट आफ्टर बिटकॉइन हिट्स $50,000। तो बिटकॉइन होल्ड करने वाले 86% लोग जो हैं वो लोग आराम से प्रॉफिट में हो। आप देखोगे यहाँ पर बहुत से लोगों ने बिटकॉइन को पहले से जिन्होंने ले के रखा था पूरे बिटकॉइन के होल्डर्स जो खरीदे गए। ये डेटा कैसे बनाया जाता है, जब बिटकॉइन की बाइंग हुई उस समय के प्राइस से को लेकर ट्रैक किया जाता है और ये पता किया जाता है कि बिटकॉइन के होल्डर्स क्या प्रॉफिट में है या लॉस में। तो एक बड़ा मैट्रिक है जो 86% ऑफ बिटकॉइन होल्डर्स जो हैं वो प्रॉफिट में है आफ्टर बिटकॉइन हिट्स $50,000। बिटकॉइन लाइटनिंग पेमेंट्स नाउ एक्सेप्टेड बाई न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म सबस्टैक। सबस्टैक जिन लोगों को नहीं पता एक कंपनी है बहुत बड़ी और मैं भी सोच रहा हूँ आगे चल के कभी स्टार्ट करूँगा। सबस्टैक पे बेसिकली क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, मतलब मैं बड़ा नहीं हूँ बट कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपके फेवरेट क्रिएटर होते हैं वो वहाँ पर न्यूज़लेटर अपना लिख लोगों को लिख के रोज़ हर हफ्ते या फिर दिन कुछ 3-4 दिन में एक न्यूज़लेटर लिखते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं। तो उसमें लिख कर एक डिटेल मिलती है पूरी की तरह। तो सबस्टैक पर पेमेंट कर सकते हो आप अपने फेवरेट क्रिएटर को और सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके आपको डेली या फिर वीकली मिला करेंगे न्यूज़लेटर। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने बोला है सबस्टैक कंपनी ने कि अब आप वहाँ पर अगर अपने क्रिएटर को पे करोगे तो वहाँ पर आपको बिटकॉइन लाइटनिंग पेमेंट्स मिलेगा। लाइटनिंग पेमेंट्स एक प्राइवेट चैनल बना के पेमेंट करता है बिटकॉइन के नेटवर्क को स्टार्ट जो है यूज़ करके। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं होगी और बिटकॉइन में आसानी से आप उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर आपको सबस्टैक में लेना है तो। अब बात करते हैं एल सेल्वाडोर प्रेसिडेंट को लेकर। उन्होंने अनाउंस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है बिटकॉइन अडॉप्शन को लेकर। उन्होंने बोला है कि जो बिटकॉइन के जितने भी उनके सिटीजन्स हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। दो ऑप्शंस ये हैं कि पहली ऑप्शन ये है कि आप या तो बिटकॉइन मिलते ही आपको जो $30 के मिलेंगे फ्री में उसको आप तुरंत ही कैश आउट कर दो, आप तुरंत ही बिटकॉइन को पैसे में बदल दो जितने भी लोग आपको बिटकॉइन दें कहीं पे करें कुछ भी करें। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। वो उन्होंने पर्सनली बोला है कि होल्ड करना ज़्यादा बेटर है। तो इन्होंने यहाँ पर भी बोला देयर विल बी 200 ATMs एंड 50 ब्रांचेस केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग बिटकॉइन इनटू US डॉलर्स स्टार्टिंग ऑन September 7। तो September 7 से 200 ऐसे ATM हो गए हैं और 50 ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप बिटकॉइन को तुरंत अपने US डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीज़ा ने इन्वेस्ट किए हैं $150,000 इन NFT क्रिप्टो पंक एसेट। तो क्रिप्टो पंग आप लोग को अगर नहीं पता है, क्रिप्टो पंग एक NFT का कलेक्शन है जिसमें बहुत से बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर जो है खरीदे हैं क्रिप्टो पंग NFT। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि क्रिप्टो पंग NFT आपको याद होगा कि अभी 11 मिलियन की आई थिंक या फिर 1 मिलियन की क्रिप्टो पंग NFT गैरी वेनरचुक ने खरीदी थी जो कि बहुत बड़े एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने खरीदी थी। यहाँ पे वीज़ा ने अगर क्रिप्टो पंग NFT खरीदी बड़ी बात है। क्रिप्टो पंग इथेरियम बेस्ड है आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी NFT। आजकल जिसका दौर चल रहा है वो क्रिप्टो पंक NFTs का चल रहा है। तो ये काफ़ी महंगे में बिकती हैं, ठीक, इनको होल्ड करने में काफ़ी प्रॉफिट है। अब यहाँ पर आपको दिखाऊं बिटकॉइन P2P ट्रेडिंग वॉल्यूम इन अफ्रीका टर्न्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एक्सीडिंग नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया है बिटकॉइन की P2P ट्रेडिंग। यानी P2P आपको पता है ना, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग, यानी जिसमें हम लोग को बाइनेंस और वजीरेक्स में ऑप्शन मिलता है जिसमें डायरेक्टली हम पेटीएम पे सेंड करते हैं और वहाँ पे वो बंदा हमको USDT भेज देता है। तो उस तरह से जो होती है ना P2P ट्रेडिंग, P2P यानी उनके यहाँ बैंक तो अभी है नहीं, अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लोगों से P2P से कर रहे हैं। तो P2P से जो बिटकॉइन को सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है वो करा जा रहा है अफ्रीका में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अफ्रीका की इकॉनमी अगर आप नॉर्थ अमेरिका से देखो तो काफ़ी वीक है और वहाँ के लोग बिटकॉइन में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना नॉर्थ अमेरिका के नहीं ले रहे हैं। तो बड़ी बात है और बहुत बड़ी, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलियन कॉइन्स की हो रही है, यहाँ पर ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 मिलियन क्लोज टू हो रहा है यहाँ पर, एक्सीड नॉर्थ अमेरिका क्लोज टू 17 मिलियन की ट्रेडिंग हो रही है आराम से। तो यहाँ पर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू ग्लासनोट दैट नंबर ऑफ बिटकॉइन हेल्ड फॉर 6-12 मंथ्स इन द पास्ट 4 मंथ्स हैज़ रिजन शार्पली फ्रॉम 1.4 मिलियन टू 3.2 मिलियन। ये होल्डिंग का डाटा आया है बिटकॉइन को जिन्होंने होल्ड किया। तो ये जब जब होल्डिंग बढ़ी तब तक बिटकॉइन ने अच्छा खासा प्राइस रैलिंग की है काफ़ी अच्छी। तो आप लोगों को यहाँ पर ये था आज का डेली क्रिप्टो हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी, एक बार चेक ज़रूर करिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे कल और सारी की सारी अपडेट्स लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट कॉइन्स पर भी। तो मिलता हूँ आपसे कल। थैंक यू, धन्यवाद।